अच्छा, वो एक तस्वीर जो आपने शेयर की थी जी, इसमें नेताजी जो है वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं जी। आपने कहा कि मैंने उनका आशीर्वाद, पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने आपको स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, तो लेकिन अखिलेश जी ने कहा था कि नेताजी ने तो बहुत रोका था आपको कि मत करो ये काम। देखिए, मैं संस्कारों में पली हूँ, संस्कारों में ही बढ़ी हूँ और संस्कारवान परिवार से हूँ, तो मेरे लिए ये दायित्व है मेरा कि मैं कोई अच्छा काम करके आऊं तो अपने ससुर जी का आशीर्वाद लूं। उसी क्रम में मैंने उनका आशीर्वाद लिया और वो मेरे इस डिसीजन से खुश हैं। खुश हैं जी, बिल्कुल। उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी को, ये सब जानते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को खुले मन से आशीर्वाद दिया पार्लियामेंट में कि फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बने, वो ये सब जानते हैं, वो तो वो खुश हैं जी। अच्छा, शिवपाल जी का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि आपको परिवार के साथ रहना चाहिए था, अपर्णा को बीजेपी में तो कम से कम नहीं जाना चाहिए था। मैं ये जानती हूं कि चाचा जी ने हमेशा बड़ा प्रोत्साहन दिया मुझे, और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि क्यों उन्होंने ऐसा बोला, उसके पीछे क्या कारण थे, मुझे लगता है आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ये कारणों के बारे में इसकी सूची ज्यादा पता होगी, पर कुछ फ्रेम ऑफ माइंड जरूर रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके की बात करी। वरना अगर यही नसीहत वो जो मुझे दे रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने खुद भी मानी होती तो अलग पार्टी ना बनाई होती। लेकिन अब चुनाव में आप, जाहिर है आपकी पार्टी इसको आपको जब प्रस्तुत करती है तो ये भी बताती है कि देखिए, हमने मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में से इतने प्रमुख सदस्य को अपनी पार्टी में शामिल किया है, तो आप कितनी प्रभावित हैं उनकी विचारधारा से, तो उनकी ये भी कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं आपको पिच किया जाए समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट, तो वो आप कैसे करेंगे काम? देखिए, ये तो पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, मैंने उन पे छोड़ दिया है ये कि वो जिस प्रकार का भी डिसीशन, जो भी कार्यभार मुझे देंगे, मुझे वो शिरोधार्य होगा। मैंने पहले दिन भी ये कहा, आज भी मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बड़े मेरे लिए जो भी सुनिश्चित करेंगे वो अच्छा होगा, सोच समझ के करेंगे। बहुत ही अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और बहुत काम की तरजीह दी जाती है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि वो लोग सोच समझ के जो भी तय करेंगे मेरे लिए, मुझे शिरोधार्य होगा। लेकिन फिर भी आपकी अपनी कुछ तो आकांक्षा होगी। मेरी इस पार्टी में ना टिकट की कोई आकांक्षा है, ना ही कोई इस तरीके की आकांक्षा लेकर के मैं इस पार्टी में आई हूँ कि मुझे कोई बहुत इससे, लोग कह रहे हैं कि शायद अपर्णा यादव एक मलाई खाने के लिए यहाँ पर आई है, ये बात नहीं है। टिकट सापेक्ष राजनीति नहीं, विचार सापेक्ष राजनीति करने आई है अपर्णा यादव। तो मैं अपने विचारों के लिए यहाँ आई हूँ, और मुझे पता है कि विचार हमेशा मनुष्य से बड़ा होता है, और मनुष्य हमेशा विचार के पीछे चलता है। उसी क्रम में मैं भी अपना काम कर रही हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।